हेलो दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल डीजे ब्लॉग में। मैं हूं अशोक। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेके आया हूं यहां पे दोस्तों एरोंस इंडिया का डबल 15 टॉप। अब ये आप ये सोच रहे हैं भाई ये कस्टम मेड है, नहीं दोस्तों ये है कंपनी फिटेड, जिसे हम कहते हैं कि हाँ भाई ये फैक्ट्री फिटेड प्रोडक्ट है। दूसरा यहाँ पे ये डबल 15 हो जाता है, बीच में आपको एचएफ मिलता है, आपको ऐसा लग रहा है ये लाइनरे वाला प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ पे इसको एज आप लाइनरे या फिर डबल 15 टॉप कैसे भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपर्पज जगह पर यूज कर सकते हैं। फिटिंग इसके अंदर आपको मिल जाती है, जो कि आपको ये एक्सेसरीज मैं भी दिखाने वाला हूँ, बहुत ही गजब की यहाँ पे टेस्टिंग होने वाली है। दिल से आ गया मेरे इस प्रोडक्ट पे, क्योंकि इसकी जो कि टॉप क्वालिटी, मैंने अगेन यहाँ पे इस तरह की क्वालिटी नहीं सुनी है। सच बोलूँ मैं भाई, बहुत अच्छी बेस, बहुत अच्छी मिड और बहुत अच्छी हाई के साथ में आता है। तो वीडियो में पूरा बने रहना, अंदर खोल के भी दिखाना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वो लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा चैनल सब्सक्राइब करें। चलते हैं वीडियो तरफ, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बॉक्स पैकिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आपको एरोस इंडिया की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है। मॉडल नंबर यहाँ पे मेंशन है टर्बो 535। इसके अलावा यहाँ पे एक छोटा सा आपको स्टिकर देखने को मिलता है, जो कि यहाँ पे इसकी प्राइसिंग भी MRP जो है मेंशन करी है, प्रोफेशनल ऑडियो यहाँ पे मेंशन है। यहीं अगर मैं साइड में बात करूँ तो टर्बो 53 और इसका जो है वो डायमेंशन बस यहाँ पे मेंशन है। ओवरऑल कुछ इस प्रकार का बॉक्स है, चलिए मैं भी इसको आपको ओपन करके दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे पैकिंग जो है आप देख लीजिए एक बारी बॉक्स को, तो खैर मैं ओपन कर चुका हूँ। यहाँ पे आपको एक फॉर्म मिल जाती है, फॉर्म के साथ साथ यहाँ पे साइड में थर्मोकॉल जो है वो भर रखे हैं, ये देख सकते हैं चारों साइड पे यहाँ पे थर्मोकॉल जो है मिलते हैं। यहाँ पे कोने कोने पे यहाँ पे ये एल फॉर्म जो है वो देखने को आपको मिल जाती है। ओवरऑल इस बॉक्स में से मे भी हम ये बॉक्स को यानी स्पीकर बॉक्स को हम निकालते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है हमें। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी डिटेलिंग, यानी आपको क्या क्या चीज़ें जो मिल जाती है और कैसे कैसे लगी है, वो सारी चीज़ें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं दोस्तों यहाँ पे ग्रिल की बात करूँ तो ग्रिल यहाँ पे अगेन 16 गेज हैवी ग्रिल है, और यहाँ पे मेरे को मतलब आप कितना भी मान लीजिए ये अंदर नहीं जाने वाले, कोई भी अननोन सी साउंड इसके अंदर नहीं है। मतलब ये होता है ना कि आपने मारा और अननोन सी साउंड आ रही है, वो नहीं है। यहाँ पे एरोंस की ब्रांडिंग आपको देखने मिल जाती है, यहाँ पे भी जो स्टिकर ये मेंशन करा गया है ये एक एरोंस का, ठीक है ना। ओवरऑल और बाकी मैं खोल के दिखाने वाला हूँ कैसे ये ग्रिल का प्लेसमेंट होता है, क्योंकि इसमें कुछ अलग टाइप से ग्रिल का प्लेसमेंट है। आपको सिर्फ यहाँ पे बोल्ट नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे नजर आ रहे होंगे और कहीं भी कोई बोल्ट नहीं है, तो इसका जो प्लेसमेंट है वो भी बताऊंगा। गैस्केट का भी इस्तेमाल इस माल में लिया गया, ये देख लीजिए ये पूरा गैस्केट है, यहाँ पे ग्रिल पे जो है वो यहाँ पे लगाया गया, सारी ही तरफ पे यहाँ पे गैस्केट जो है वो इस्तेमाल में लिया गया। अगर मैं साइड की डिटेलिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख लीजिए साइड हो जाता है इसका, ये देख लीजिए आपको ये हैंडल्स मिल जाते हैं, 1 2 3 3 हैंडल्स मिलते हैं। आप इस डायरेक्शन से भी पकड़ सकते हैं, ऐसे इसको जब गिराएंगे तो इस डायरेक्शन से पकड़ सकते हैं, या फिर अगर आपको सीधे सीधे उठाना तो इस डायरेक्शन से पकड़ सकते हैं। अब हैंडल में भी यहाँ पे देख लीजिए कि इनकी जो गोलाई है वो काफ़ी अच्छी है, तो मतलब स्मूथली रहता है, हाथ में आपको दुखेगा नहीं या फिर चुभेगा नहीं, इस बात का ध्यान दिया है कंपनी ने। बाकी ये हैंगिंग एक्सेसरीज आपको मिल जाती है, जब भी आपको इसको हुकअप करना है यानी हुक करके भी लगाना है, या फिर आपने अगर इसको ट्रक पे या फिर आप मोबाइल डीजे करते हैं तो वहाँ पर बांधने पर भी इस पर आसानी रहेगा, इस बात का भी कंपनी ने ध्यान दिया है, ठीक है ना। ओवरऑल अगर मैं कलर की बात करूं, इसका टेक्सचर पेंट की बात करूं तो दोस्तों ये है कॉफी कलर, और इसका जो टेक्सचर पेंट है ना वाकई में अलग है किसी भी एक नॉर्मल कैबिनेट से। थिकनेस आप देख लीजिए 18 mm का इसके अंदर प्लाई है, प्लाई भी ऐसा नहीं है कि मार्केट वाला जो है वो आपको कोई भी हल्की क्वालिटी का लगा के दे दिया, नहीं भाई ये पूरा प्रॉपर ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। यहीं अगर मैं बात करूँ तो दो तो स्पीकर्स हो जाते हैं, बीच में आपको HF मिलता है। HF जो है वो बीच में देने का मतलब भी क्या है वो भी मैं आपको समझाऊंगा, फिलहाल तो ये फ्रंट में हो जाता है। अभी चलिए ना मैं एक बारी पीछे भी आपको एक बारी डिटेल में दिखा देता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे दोस्तों बैक साइड की बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको एक ये एक्सेसरीज मिलती है हुक करने के लिए, यहाँ पे भी आप देख लीजिए इन पे भी एलिंग की बोल्ट्स का ही जो है वो काम करा गया। अगेन ये जितने भी ये अंदर से भी एक एल पत्ती को जो है वो ज्वाइंट करके देन फिर इनको टाइट करके इसके अंदर भी पूरी एक एल जो है पत्ती पूरी यहाँ तक जो है वो एल लगा के एक एंगल लगा के उसके बाद इसको टाइट करा गया। तो यहाँ पे भी आप ये कोई मत सोचना कि लूजिंग की प्रॉब्लम या फिर सेफ्टी की प्रॉब्लम, ध्यान दिया गया है कंपनी की तरफ से। बाकी यहाँ पे ये एरोंस इंडिया की ब्रांडिंग है, टर्बो 535 यहाँ पे मेंशन करा गया है। नॉर्मल एंड इंपेडेंस इसका 4 ohms का ये हो जाता है, एक बॉक्स 4 ohms का है। यहाँ पे इसके RMS मैक्सिमम पावर जो है वो सारी मेंशन करी गई है, ठीक है ना। ये दो आपको एनल फोल्ड वाले स्पीकर्स मिल जाते हैं, और ओवरऑल यहाँ पे काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है, ये पूरी एल्युमिनियम बिल्ड क्वालिटी वाली मेरे को बैक प्लेट देखने को मिलती है, और नीचे भी आपको ये हुक करने के लिए मिलते हैं। तो दोनों साइड है, आप दोनों साइड से, क्योंकि इसमें जो इसका डायरेक्शन या फिर कहूँगा इसका जो लुक है इस तरीके का इसमें बना रखा है कि आप इसको उल्टा रखें या सीधा रखें या फिर पट करके यानी लटा के भी रखेंगे ना तब भी आपको मालूम चलेगा किस साइड से सीधा, तो ये सारे डायरेक्शन से वर्क करता है, सारे डायरेक्शन पर अच्छा लगता है, ये एक अच्छी बात है क्योंकि बीच में HF दे दिया है। तो ओवरऑल ये है दोस्तों, पेंट फिनिशिंग आपको सब कुछ दिखा चुका हूँ। अभी चलिए इसका देखते हैं ना इंटरनल क्वालिटी कैसा है,
ग्रिल व्रिल सब कुछ खोल के मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसके इंटेल की क्वालिटी या फिर इसकी कैबिनेट की क्वालिटी, सबसे पहले आप देख लीजिए यहाँ पे जो कि स्पीकर्स हैं वो इस तरीके के स्पीकर्स इसमें यूज में लिए गए हैं। तो यहाँ पे ये दो स्पीकर्स हो जाते हैं, एक ही HF हो जाता है। HF की मैं पर्सनली भी तारीफ करूंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छा बज रहा था ये HF। जब मैं आपको टेस्टिंग दिखाऊंगा तब समझ में आएगा। चलिए मैं भी आपको अंदर से कैबिनेट दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों यहाँ पे कैबिनेट की क्वालिटी। और यहाँ पे अगर मैं प्लाईवुड की बात करूंगा तो ये दोस्तों एक 18 mm का प्लाईवुड है। ये फुल्ली मैं कहूँगा कैलिब्रेटेड टाइप का जो है प्लाईवुड होता है ना उस टाइप का है, वो ने फुल कोर यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे ये HF वाला सेक्शन हो जाता है जहाँ पे ये कॉटन का कुछ इस प्रकार से यहाँ पे लगाया गया था। हर एक चीज़ पे यहाँ पे ध्यान दिया गया है, सपोर्ट्स पूरी ध्यान दी गई हैं। ये हैंडल्स भी जो है आप देख लीजिए ये वुडन में ही हैंडल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये भी कंपनी ने ये एयर गैप ये वाला है दोस्तों, यहाँ पे तो HF फिट हो जाता है, यहाँ से एयर गैप रहता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा इसका ये नेटवर्क बोर्ड हो जाता है जो कि स्पीकर प्लस HF दोनों के लिए काम करता है। तो यहाँ पे ये आपको मेंशन करा गया है। इसके अलावा यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए ये पूरा ग्लासुल यानी स्पीकर का पूरा ग्लासुल है। और अगेन यहाँ पे जब ब्रांडेड आप प्रोडक्ट लेते हैं तो ये हमेशा मेरे को लगता है कि भाई हाँ ये चीज जो है ना ब्रांडेड ही प्रोडक्ट में मिलती है। यहाँ तक कि जो स्पीकर और सॉकेट्स हैं उनमें भी यहाँ पे PCB का काम करा गया है। सिंपली देख लीजिए PCB जो है वो अटैचमेंट करी गई है। और जैसे कि मैंने दिखाया ना इसका बैक प्लेट जो है वो काफी अच्छा हमें देखने को मिलता है। गैस्केट का यहाँ पे काम है, ये देख लीजिए स्पीकर्स पे भी यहाँ पे भी जो है वो गैस्केट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पे भी जो है वो स्पीकर पे भी गैस्केट है, साथ ही साथ HF पे भी यहाँ पे गैस्केट आपको देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पे बाकी फिटिंग के अंदर की बात करूँ तो यहाँ पे फिटिंग देख लीजिए जो कि फिटिंग है यहाँ पे भी L पूरा ये लगा के दी गई है, लोहे की हो जाती है, ये पूरा मेटल की है तो यहाँ से पूरा टाइट करा गया है। अगेन ये कैबिनेट की मजबूती भी होती है इससे, प्लस यहाँ पे जो कि आप इसको हैंग भी करेंगे तो वहाँ पे भी ये काफ़ी अच्छा काम करेगा, ठीक है ना। ओवरऑल ग्रिल जो है वो कुछ इस प्रकार से फंसती है, देख लीजिए यहाँ पे ग्रूव्स बना रखा है तो यहाँ पे जो है वो ये फंस जाती है। तो ये कोई भी अलग सी साउंड प्रोड्यूस नहीं करेगी, कंपनी ने बहुत ध्यान दिया। स्पीकर जो है वो कोन काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे कोन भी इसका काफ़ी अच्छा है। बाकी टेस्टिंग आप जब देखेंगे तब आपको यहाँ पे समझ में आएगा। चलिए और भी डिटेल हम जान लेते हैं। तो दोस्तों कैसे लगे अनबॉक्सिंग और बाकी डिटेल्स हमारे एरोंस की टॉप के जरूर नीचे कमेंट्स बताना। अभी दोस्तों हम जान लेते हैं इसकी थोड़े बहुत स्पेशल और पावर रेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले दोस्तों अगर मैं पावर रेटिंग की बात करूंगा तो दोस्तों ये एक 1000 वाट का RMS पावर का टॉप हो जाता है। यहाँ अगर मैं स्पीकर्स की बात करूंगा तो 2 15 के स्पीकर है, इनकी वॉइस कॉल साइज जो है वो 3 इंची रखी गई है। यहाँ अगर मैं HF की बात करूंगा तो एक यहाँ पे HF यूज में लिया गया, आप इसको कह सकते हैं एक 750 HF है, 3 इंची वॉइस कॉल के साथ में आता है। यहाँ अगर मैं बात करूँ दोस्तों इसके फ्रिक्वेंसी रेंज के बारे में, 50 से लेकर 18 किलो हर्ट्ज तक के फ्रिक्वेंसी पे ये वर्क करता है, यानी आपको जो कि आउटपुट मिलेगा इस रेंज पे मिलेगा। यहीं अगर मैं सेंसिटिविटी की बात करूं तो 98 dB मिल जाता है। SPL जो है दोस्तों 135 dB है, बहुत ही अच्छा है, यानी काफ़ी अच्छा आपको लाउडनेस मिलता है। साथ ही साथ अगर मैं दोस्तों यहाँ पे बैक प्लेट की बात करूँ तो 4 आपको यानी NL4 वाले जो है ना NL4 वाले स्पीकर्स जो आपको मिलते हैं। प्लाईवुड यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी की मिलती है, कॉफ़ी कलर हम इसे कहते हैं, यानी इसका जो कि कलर है वो कॉफ़ी हो जाता है। ओवरऑल इस सारी स्पेशल के साथ में आता है। अगेन अभी चलिए जो कि इसकी बाकी है टेस्टिंग पे। खैर जो मेरा दिल खुश हुआ है, जो मतलब लगा कि हाँ भाई अब यही रिकमेंडेशन दे रही है, जब भी मैं 15 की टॉप की रिकमेंडेशन दूंगा तो मैं यही दूंगा, और वो वाली फील आई थी टेस्टिंग के बाद। तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ टेस्टिंग के लिए। अगर दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे सिर्फ हमने 2 टॉप अटैच करे हुए हैं, ये खाली कैबिनेट है, अगेन हाइट थोड़ा सा देने के लिए। और आपको एक मालूम चलेगा कि भाई हाँ इन 2 टॉप की जो पावर है ना वो वाकई में किसी के भी, एक कहूँगा मैं भाई एक अलग, नॉर्मली अगर आप कस्टम मेड भी लगाते हैं टॉप उनके साथ में अगर आप सिंगल बेस ऐड करेंगे ना तो इतनी पावर से वो सिर्फ इन 2 टॉप के अंदर आपको मिल रही है। क्लियरिटी वाकई में अनबिलीवेबल है। चलिए मैं भी इनकी मस्त एक टेस्टिंग आपको दिखाता हूँ। अमन यादव।
चाहिए। कैसे लगी दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों परफॉर्मेंस इस टॉप का, जरूर नीचे कमेंट्स बताना। बाकी यहाँ पे दोस्तों ये ब्रांडेड है, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। और खास करके जब एरोंस के साथ में बात आती है तो मैं बिल्कुल श्योरिटी रहता हूँ कि इनके प्रोडक्ट जितने भी होते हैं वो सारे टेस्टेड होते हैं। टेस्टेड का मतलब कि लैब के टेस्टेड, प्लस यहाँ पे जो कि एक्चुअल में जमीनी हकीकत को देखते हुए ही प्रोडक्ट को बनाया जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट है, या हम इंडियंस के, हम भारतीयों के क्या रिक्वायरमेंट, उनके हिसाब से जो है प्रोडक्ट को बनाया जाता है। और वाकई में यहाँ पे लुक से पर्सनली मैं कहूँगा इसका पेंट, इसका लुक जो है ना वो अमेजिंग सा है। और दूसरा यहाँ पे ये जो सर कि बीच में आपको अच्छा देखने मिलता है, आप ये सोचेंगे भाई बीच में को दिख गया, क्योंकि यहाँ पे एक दोस्तों मैं कॉम्बिनेशन की भी बात कहूँगा तो अगर ऊपर वाले एचएफ यानी अगर टॉप पे किसी एचएफ को रखते हैं और नीचे हम दोनों स्पीकर्स को रखते हैं और इसको जब आप सुनेंगे तो दोनों में डिफरेंस काफ़ी आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई इसकी जो क्वालिटी है ना वो वाकई में यहाँ पे कुछ अलग सुनाई दे रही है। क्योंकि ऊपर वाला और नीचे वाला जो स्पीकर के बीच में हम एचएफ देते हैं एक कॉम्बिनेशन बन जाता है कि हाँ भाई दोनों स्पीकर्स का आपको आउटपुट प्लस यहाँ पे बीच में जो एचएफ दिया वो एक बिल्कुल आपको मधुरता सी साउंड मिलती है। तीसरा यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ भाई अमेजिंग है, कोई मेरे को कहीं पे भी शक नहीं है कि भाई ये बिल्ड क्वालिटी से लेके कहीं पे भी समझौता करा गया है। पेंट हो गया, प्लाईवुड हो गया, यहाँ पे बैक प्लेट ले लीजिए, फिटिंग्स ले लीजिए, ग्रिल ले लीजिए, तो हर चीज़ जो है यहाँ पे एक टॉप क्वालिटी की लगाई गई है। बाकी दोस्तों अवेलेबिलिटी के लिए आपको ये आपके नियरेस्ट एरोंस इंडिया के डीलर्स के पास मिल जाएगा। फिलहाल मैं एक नंबर यहाँ पे शो कर देता हूँ कस्टमर केयर, तो यहाँ से आप डीलर्स का पता या फिर इसकी जो प्राइसिंग है, एक्चुअल जो प्राइसिंग है यहाँ से आप मालूम कर सकते हैं। और वीडियो दोस्तों इस तरीके के और चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे और भी सीरीज है इसके अंदर, तो वीडियो लाइक ज्यादा करना इसको और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करूंगा, ऐसी वीडियोस और भी आने वाली है। बाकी दोस्तों मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।